हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, जिनसे सीधा बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता और सत्ता। धन्यवाद। आज आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में रोडवेज का शिलान्यास किया है, क्या कहेंगे? देखिए, आज बहुत समय से बिलासपुर की जनता की मांग थी, क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है और उसके बाद कोई भी हमारे बिलासपुर विधानसभा में कोई भी सरकारें आई गई मगर बस अड्डा नहीं था। और आज हमने एक भव्य बस अड्डे का भूमि पूजन किया है और काम स्टार्ट करने को कहा है, और बड़ा ही अच्छा बस अड्डा हम जनता को देने वाले हैं। और आज और उसकी जो अच्छा लुक और अच्छी जगह पे मेन रोड पे बस अड्डा बनेगा। अच्छा, किस तरह का डिज़ाइन आप उसको दे रहे हैं? देखिए, हमने कोशिश करी है कि इसके आर्किटेक्ट को अच्छा डिज़ाइन बनाने के लिए, क्योंकि ये हमारा जो बस अड्डा है ये उत्तरांचल के बॉर्डर पे है। यहाँ से 10 किलोमीटर के करीब उत्तरांचल का बॉर्डर शुरू हो जाता है, और ये उत्तरांचल से लेकर दिल्ली तक ये मेन बॉर्डर है। तो इसका लुक हमने अच्छा डिज़ाइन किसी आर्किटेक्ट से किया है, और वैसा तो नहीं हो सकता मगर लुक हमने श्री हरमंदिर साहब जैसा देने की कोशिश करी है, मगर उसका मुकाबला नहीं, मगर फिर भी लुक देने का काम हम लोगों ने किया है। जब बन के तैयार होगा तो आपको लगेगा कि ऐसा बस अड्डा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, लगभग कितने समय में ये तैयार हो जाएगा और करीब कितने करोड़ की इसमें कितने की लागत आ रही है? देखिए, इसमें 5 करोड़ के करीब इसकी लागत है, और जो एजेंसी है UPPCL उसने ये 1.5 साल का समय लिया है। आज वो भी थे तो उन्होंने 1.5 साल का तो समय है, पर उन्होंने ये कहा है कि हम 1 साल के अंदर अंदर इस बस अड्डे को तैयार करके हम आपको जनता को समर्पित कर देंगे। अच्छा, देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार को 9 साल पूरे हो गए, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो 9 साल के कार्यकाल हैं, मैं बहुत ही उनको धन्यवाद बधाई देना चाहता हूँ कि इस 9 साल में और जो 76 साल देश आज़ाद हुए 77 साल के पहले जो उनकी जितनी भी योजनाएं थी, गरीब कल्याण योजनाएं और जो भी उनके धरातल पर लाने का काम किया है, वो सीधा सीधा जनता से उस योजनाओं को बिना बिचौलिए के डायरेक्ट आम जनता तक पहुंचाने का काम किया है, और देश में एक भारत का एक नाम बड़ा अच्छे उससे मतलब एक बढ़िया उससे एक भारत का बहुत बड़ा जिस भी देश में जाते हैं माननीय प्रधानमंत्री का सम्मान होता है, माननीय प्रधानमंत्री के साथ साथ सारी भारत की जनता का भी सम्मान होता है इनका। अच्छा, ऐसे में क्या क्या चुनौतियां रहीं और क्या क्या सफलताएं मिली और ऐसे कौन से नवाचार हैं जो सामने आए? देखिए, जहाँ तक सफलता और चुनौतियों की बात है, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी वायदे किए थे और वायदों से ज़्यादा हट के जो जो कर सकते थे उन्होंने किया, उसका आज उदाहरण है कि 2014 के बाद 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, और उसके बाद फिर 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी, और 2022 में फिर माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। ये राष्ट्रवादी नीति, कल्याणकारी जो योजनाएं हैं जो धरातल पर देने का आम जनता को जो काम मिला है, आम जनता के बेहतर जीवन के लिए जो काम हुआ है, जनता ने आदरणीय मोदी जी को और माननीय योगी जी को चुनने का काम किया है पूर्ण बहुमत के साथ 2022 की, और दोहरा आने वाले 2024 की भी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली है। अच्छा, बिलासपुर के विकास के लिए और आगे की क्या क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, मैंने अभी बताया कि आज बस अड्डे का उद्घाटन किया है और शिलान्यास किया है। आप मेरी पार्किंग 800 गाड़ियों की पार्किंग शहर में पार्किंग 1 महीने के अंदर अंदर मेरी पार्किंग बनके तैयार हो जाएगी, क्योंकि पार्किंग में लोग गाड़ियाँ खड़ी करेंगे और अपनी मार्केटिंग करेंगे। उसके बाद मेरा जो चौराहा है, मेन चौराहा, वो बहुत चौड़ा करण हो रहा, वो भी 1 महीने के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा। और भाभी मेरी योजना है कि बहुत अच्छा अमृत सरोवर, झील अमृत सरोवर हम देने वाले हैं, उसकी स्वीकृति जब मिल जाएगी उसका भी हम शिलान्यास और उसको बिलासपुर की जनता को बेहतर एक अच्छा शहर देने का काम करूँगा।